वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इस पर से उन्होंने पर्दा उठाया। दरअसल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली मेरी दो माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है ये बताने रायबरेली आया हूं। इतना ही नहीं, राहुल ने जनता से ये भी वादा किया कि 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरी देने का कार्य कांग्रेस करेगी। देश में ठेकेदारी प्रथा बंद होगी, वही पेंशन के साथ गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चों को मिलेगी। उन्होंने बीजेपी आरएसएस के लोक संविधान को खत्म करने के आरोप भी लगाए, साथ ही क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी दो माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी, और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा, नहीं, तुम्हारी दो मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा, मां, मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है, और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। चुनाव अजीब सा चुनाव है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को,